एक स्कीम जब लागू हुई सेंटर से अनिपलाई बच्चियों के लिए तेजस्वानी के तहत में, जब हमने सुना तो हमने फार्म जब डाला अप्लाई ऑफिस डोडा के अंदर, जब हमने फार्म डाला तो वहाँ अप्लाई ऑफिस के अंदर भी बोला गया कि नो इंटरेस्ट और नो गारंटर और 7500 आपको किस्त भरनी पड़ेगी। जब हमने फार्म डाला तो हमने उस वक्त हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था। 7500 किस्त क्या है? 7500 महीने की किस्त बोल रहे थे अप्लाई ऑफिस के अंदर। जो रकम आप लेंगे उसका आपको 7500 रुपया महीना देना है। महीना देना है 7500 किस्त। कितने साल के लिए था वो? वो 5 साल की स्कीम थी। अच्छा, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें फार्म शार्म डाल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि नो गारंटर, ये लिखा यहाँ पे नो गारंटर, 10% सब्सिडी है इसके अंदर और यहाँ पे लिखा है कि नो इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के। जब हमने ये फार्म डाल दिया, ये वाला फार्म जो हमने डाल दिया, तो उसके बाद जब एक महीना हो गया, महीने के बाद एक फार्म हमें पहुंचा कि बच्चियों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए डोडा के अंदर। जब डोडा में हमने बच्चियों को जमा करके, बच्चियां काफ़ी हैं, भद्रवा की हैं, डोडा की हैं, हर जगह की बच्चियाँ हैं। ये स्कीम थी अनइम्प्लॉय बच्चियों के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अमडैंग। बहुत सारे इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं अप्लाई करते हैं। और बहुत सारे इंटरव्यूज आपने देखे होंगे जिसमें कहा गया होगा कि आपको कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है, 10 लाख रुपए तक का लोन जो है आप विदाउट गारंटर जो है वो ले सकते हैं, आपको सब्सिडी मिलेगी, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बहुत सारे जो इस तरह की स्कीम्स जो हैं वो बताई जाती हैं। लेकिन हकीकत में क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी क्या होती है? कहीं आप इस धोखे में आकर के जो है डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, लोन अप्लाई करते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि सब्सिडी कितनी मिलनी थी आपको और नहीं मिल पा रही है, गारंटर आपको नहीं देना था, गारंटर मांगा जा रहा है और जो लोन की रकम है वो कई गुना ज़्यादा आपको जो है वापस भरनी पड़ेगी। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करते हैं, फारूक जी हैं। इन्होंने भी लोन जो है अप्लाई किया था, क्या कुछ पूरा मामला है इन्हीं से बातचीत करेंगे, किस स्कीम के तहत किया था, कौन सा विभाग था जहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया था। फारूक साहब, क्या पूरा मामला है, कहाँ के रहने वाले हैं आप और क्या कुछ स्कीम थी ये? शुक्रिया डेंग सर। गरीब के लिए मैं कहावत बोलता हूँ आपको कि गरीब के लिए सोना बहुत महंगा है। बिल्कुल। जो कि गरीब, एक मजदूर 400 रुपये दिन कमाने वाला, वो सपने देखता कि अगर सोना सस्ता होता तो एक गरीब भी पहन लेता। बिल्कुल। लेकिन कानून कोर्ट अबला कानून गरीब के लिए बहुत महंगी हो गई, जैसा सोना महंगा है। एक गरीब तरसता है कि काश अगर सस्ता होता तो मैं भी पहन लेता, इसी तरह एक गरीब के लिए भी कानून बहुत महंगी हो गई। हमने 2021-22 के अंदर एक स्कीम जब लागू हुई सेंटर से अनिपलाई बच्चियों के लिए तेजस्वानी के तहत में, जब हमने सुना तो हमने फार्म जब डाला अप्लाई ऑफिस डोडा के अंदर, जब हमने फार्म डाला तो वहाँ अप्लाई ऑफिस के अंदर भी बोला गया कि नो इंटरेस्ट और नो गारंटर और 7500 आपको किस्त भरनी पड़ेगी। जब हमने फार्म डाला तो हमने उस वक्त हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था। 7500 किस्त क्या है? 7500 महीने की किस्त बोल रहे थे अप्लाई ऑफिस के अंदर। जो रकम आप लेंगे उसका आपको 7500 रुपया महीना देना है। महीना देना है 7500 किस्त। कितने साल के लिए था वो? वो 5 साल की स्कीम थी। अच्छा, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें फार्म शार्म डाल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि नो गारंटर, ये लिखा यहाँ पे नो गारंटर, 10% सब्सिडी है इसके अंदर और यहाँ पे लिखा है कि नो इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के। जब हमने ये फार्म डाल दिया, ये वाला फार्म जो हमने डाल दिया, तो उसके बाद जब एक महीना हो गया, महीने के बाद एक फार्म हमें पहुंचा कि बच्चियों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए डोडा के अंदर। जब डोडा में हमने बच्चियों को जमा करके, बच्चियां काफ़ी हैं, भद्रवा की हैं, डोडा की हैं, हर जगह की बच्चियाँ हैं। ये स्कीम थी अनइम्प्लॉय बच्चियों के लिए। जब हमने बच्चे वहाँ पहुँचाई तो वहाँ ट्रेनिंग दी 15 दिन, बोला गया कि आपने बेटा मतलब बिजनेस कैसे करनी वो सिखाया जाता है वहाँ पे। उसके बाद आपने बेटा 4.5 ही वापस करना है और आपने नो इंटरेस्ट है तो नो गारंटर है। कुछ साथियों को गारंटर भी लिए गए हैं। ये मतलब महंगाई है बहुत ज़्यादा स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर। हम इतने मुश्किल के अंदर हैं, काफ़ी बच्चियाँ हैं, ये पता नहीं 50 की कितनी बच्चियाँ हैं। हम उम्मीद करते थे कि सेंटर से हमारे नरेंद्र मोदी जी अच्छी अच्छी स्कीमें निकाल रहे हैं और गरीब लोग फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन आज हमें 4.5 लाख के बजाय जेके बैंक झक्कियास के अंदर
हमें 8 लाख पेमेंट वापस मांग रही है। 7500 किस्त बनाई बोला था पहले अप्लाई ऑफिस के अंदर, उसके बाद हमें 12000 महीने की किस्त देने पड़ रही है, उसमें हमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। किस्त आपकी हर महीने जा रही है? हर महीने किस्त जा रही है, हमारी किस्त इस वक्त चल रही है, लेकिन हम 4.5 इन्होंने बोला है 10% सब्सिडी बोली है, नो इंटरेस्ट। हम एलजी साहब से, मैं मोतबाना गुजारिश करता हूँ एलजी साहब से, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने ये स्कीमें निकाली हैं सेंटर से निकाली, आज भी दावे हो रहे हैं। मैं एलजी साहब से मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि हमारे हक में इंसाफ किया जाए, हमें ये इंटरेस्ट माफ़ होना चाहिए। इस डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट, वो खुद जाके बैंक को ये इंटरेस्ट देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डोडा साहब से भी गुजारिश करते हैं कि हमारे हक में इंसाफ किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी गरीब लोग, ऐसा ना हो कि कल कोई बच्ची सुसाइड कर ले या खुदकुशी कर ले, उसका जाती जमा और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट की होगी, क्योंकि बच्चियां काफ़ी मजबूर हैं और उनके वालदेन भी काफ़ी मजबूर हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे हक में इंसाफ हो, ये इंटरेस्ट भी माफ़ हो और किस्त कम किया जाए, जो हमें पहले बोला गया है 7500, और 7500 देने के लिए हम तैयार हैं। और हम जो इन्होंने ये बोला है कि 4.5 हम 5 भी वापस कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट भरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हम पर इंसाफ किया जाए। चले जी, जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं इसमें जो हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या पूरी ये स्कीम थी और क्या कुछ पूरा मामला है। हेलो हेलो अदरीस भाई, सलाम अलैकुम। जनाब अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, मीडिया से न्यूज एयर इंडिया से, जम्मू से। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज एयर इंडिया से, जम्मू से। डैंग साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं? बढ़िया बढ़िया। अदरीस सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ये जो मिशन यूथ के तहत जो ये तेजस्विनी स्कीम थी, ये स्कीम क्या थी और क्या कुछ इसमें, मतलब जो बच्चियों ने अप्लाई किया था, क्या कुछ फॉर्मेलिटीज थी इसमें? तेजस्विनी जो है फीमेल्स के लिए, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए फीमेल स्पेसिफिक स्कीम है, और उनको 5 लाख तक उसमें जो है लोन मिलता है सब्सिडी। तो सब्सिडी कितनी थी सर इसमें? सब्सिडी इसमें 10% है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट जो बैंक का रहता है तो बैंक डिसाइड करता है, वेरी करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उन्हीं का रहता है, बैंक से डिसाइड करते हैं, 10-11% के आसपास आमतौर पर रहता है। गारंटर भी होता है इसमें सर? गारंटर नहीं है इसमें, 10 लाख तक जो है जो भी लोन है, कोई भी 10 लाख तक कोई गारंटी नहीं होती है उसमें। अच्छा, ये जो आपने नोटिफिकेशन जारी की थी इसमें तो लिखा हुआ इंटरेस्ट फ्री है। इंटरेस्ट फ्री है हमारी नोटिफिकेशन, किस किस ऑफिस की है नोटिफिकेशन? ये आपका मिशन यूथ में जो ये स्कीम है तेजस्विनी, इसमें लिखा है कि ये यंग बच्चियां जो अप्लाई करेंगी इनके लिए इंटरेस्ट फ्री है। बेसिकली हम डिस्ट्रिक्ट डोडा को देखते हैं, तो हमने जो नोटिफिकेशन निकाला होगा वो एज पर गाइडलाइंस जो हमारे पास आई है उसके अकॉर्डिंग ही निकाला होगा हमने। अच्छा, तो इसमें इंटरेस्ट फ्री वाला हमारे पास राइटिंग में नहीं आया है कहीं से भी। अच्छा, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू की है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और हमने वैसे ही किया हुआ, जो हमारी नोटिफिकेशन आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट डोडा की कहीं भी, उसमें उसमें जो लैंग्वेज वही है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है राइटिंग में। आप प्लीज इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और ये जो गारंटर वाली बात आप कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि गारंटर भी मांगे जा रहे हैं, ये हमारे पास भी कंप्लेंट्स आती हैं बैंक मैनेजर्स की, कुछ कुछ की जो इंसिस्ट करते हैं उसके लिए, लेकिन फिर हम जहां हमारे पास नोट में आया है हमने उनको इंटरवीन करके तो उनको ठीक वो जो है बैंक को बता दिया है और वो इश्यू रिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं इंसिस्ट करते हैं वो, ये सही है आपका कहना कि बैंक पर इंसिस्ट करते हैं वो देने के, लेकिन डायरेक्शन उनको क्लियर जा चुकी है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है 10 लाख तक, जो भी लोन लेता है किसी भी कारोबार के लिए उसमें कोई गारंटर की जरूरत नहीं है। आखिर में एक बात जानना चाहूंगा आपसे, अफरोजा जी हैं, इन्होंने लोन अप्लाई किया था, इनकी कुछ ग्रीवेंस हैं, आप थोड़ा प्लीज सुनेंगे इनको? इनके फादर साहब हैं यहाँ पे, प्लीज बात कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अदरीस भाई ठीक ठाक हो? दो आप ठीक हैं? सर मैंने जो ये फार्म मेरे हाथ के अंदर है, जब तब से मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, इसमें लिखा है नो इंटरेस्ट, और नो ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है क्या जिस पर लिखा है, ये किसका किसका इशूड है, क्या है ये आपकी साइड पे है? आपका, मैं डोडा से हूँ सर। हाँ हाँ, तहसील चिली पिंगा से।
इस पर जो है ये किसने इशू किया है, किसका डॉक्यूमेंट इशूड है, ये किसी के साइन है नीचे, किसी का अथॉरिटी का लिखा है, कौन है ये? कौन है? नहीं नहीं, इस पे नहीं लिखा, इस पे लिखा नहीं है। मैं और भी कागज निकालूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे पास, मेरे पास फार्म जो इस पे लिखा है 10% सब्सिडी और नो इंटरेस्ट, नो गारंटी। बेसिकली क्या है कि ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, सीओ मिशन यू, इसमें डॉक्टर शायद इकबाल साहब चौधरी है, अभी शायद वो ट्रांसफर भी हुए हैं, हुआ है उनका, तो ये थ्रू आउट यूनिफॉर्मिटी से चलती है सभी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे यूटी में। तो अगर कुछ इसमें मजदीद आपको है तो आप सीओ साहब से रब्ता कर सकते हैं, उन्हीं की डायरेक्शन है, वैसे ही जो है आगे चल रहा है। अदरीस भाई, मतलब मुझे लगता है कि ये तो सरासर धोखा है कि पहले बोला गया नो इंटरेस्ट, आप तो आज तो जेके बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है 12% के हिसाब से, ये तो सरासर धोखा है। नो इंटरेस्ट वाला मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आप बता रहे हैं, ना मेरे नोटिस में आया हुआ है। आप शेयर करें किसका इश्यूड है, हम इसमें देखते हैं किसने इश्यू किया है, क्या है इसमें। और दूसरा ये है कि ये मिशन यूज का डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, अगर उन्होंने आपने ऐसा बताया हुआ था या लिखा हुआ तो फिर इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम तो कम्प्लाई कर रहे हैं मिशन यूथ वालों की, जो गवर्नमेंट डायरेक्शन हमने वैसे ही आगे चलना है। ठीक है सर, मैं डोडा कमिश्नर साहब के साथ भी बात करूंगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है हम पे इंसाफ करेंगे, मैं उनको भी कागज दिखा जी। सर शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। वेलकम वेलकम। तो ये थे जो इस विभाग को डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है डील करते हैं, इदरीस जी। अब हमारी कोशिश रहेगी, हमारी बात जो है वो कंसर्न जो इनके बैंक मैनेजर हैं, जेएंडके बैंक के जकियास के, उनसे हमारी बात हो सके और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार में पूरा मामला है क्या, स्कीम क्या थी, इंटरेस्ट कितना लगा रहे हैं, किस्त कितनी बनती थी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि 7500 समथिंग बननी थी और 12000 रुपया ये किस्त दे रहे हैं, और टोटल इंटरेस्ट का कितना बनता है। और जेके बैंक ने जब हमने ये लोन लिया, जेके बैंक ने बाय हैंड कैश दिया ही नहीं, उन्होंने हमें ये पैसा जो था आड़तियों के खाते में बिल पे पेमेंट की है। नहीं, पेमेंट तो वैसे ही होती है। वैसे ही होती है, लेकिन उसमें हमारा कोई फायदा, चल अब हमने देना तो है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ एलजी साहब से ये गुजारिश करता हूँ और डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब से कि हमें ये जो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के बारे में हम पे इंसाफ किया जाए। चलिए हम कोशिश करते हैं हमारी बात जो है कंसर्न जो जकियास बैंक मैनेजर हैं जेएंडके बैंक के, उनसे हो सके। तो ये थे, हमने कोशिश की थी, हमारी बात जो है जम्मू कश्मीर बैंक जो जकियास में है उनके मैनेजर जो है उनसे हो सके। आज सैटरडे भी है, छुट्टी भी है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और हम अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, हम एक ब्रिज का काम करते हैं, एक माध्यम है, हम किसी की बात को एक जगह से दूसरी जगह हायर एडमिनिस्ट्रेशन तक, हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने का काम जो है वो हमारा रहता है, वही काम हम अपना करते हैं। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या आप अपील करना चाहेंगे? अपील है सर, मेरी यही रिक्वेस्ट है मौजूदा सरकार से और एलजी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे इस बारे में हम पर इंसाफ किया जाए, जो हमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है इसमें, हम इंसाफ चाहते हैं और किस्त कम किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात के अंदर, आप बाखूबी लोग जानते हैं कि स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बेरोज़गारी है, बच्चे पढ़ रहे हैं सर आगे, तो अब हम निकाल चुके हैं, हम ये इनकार नहीं होते हैं कि पेमेंट वापस, हमने पेमेंट तो वापस करनी, लेकिन जो हमारे पास रिटर्न में दिया गया है बस इसी के मुताबिक हम किस्त जो है 7500 किस्त के हिसाब से पैसा जमा करेंगे, और हमें इनकी सब्सिडी भी नहीं चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट देने के लिए हम नहीं तैयार हैं, हम काफ़ी हैं। और कुछ बच्चियां इतनी परेशान, मैंने एक बच्ची को देखा, वो बच्ची रो रही थी, मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे है, कहता है इंटरेस्ट पहले बोला कि नो इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं इतनी घर की गरीब हूँ, मैं खुद भी गरीब हूँ, उस बच्ची का जब मैंने सुना मैं इतना परेशान हुआ, इसलिए मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे इस बारे में इंसाफ किया जाए, बस ये इंसाफ की डिमांड रहेगी बस। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और ये सारा मामला था, आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरा मैन शाहनवाज के साथ।